मिट्टी के बोरे अपन से पंगा नहीं लेने का है, बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। आश्चर्य, ये तो बिल्कुल अपन का थोपड़ा, एकदम डुप्लीकेट है। हम तुम्हारा डुप्लीकेट नहीं, तुम हमारा डुप्लीकेट है, समझा? तुम जान के कसता है ना? क्या पहचाने ला बाप, बिना कार्बन के जीरा से नहीं। हम तो हैं जटा शंकर, इस घर के सर्वेंट, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे पीछे तो पुलिस पड़ी थी ना? पुलिस से बचने के वास्ते तू इधर आया रे। पुलिस काहे को पड़ा है पीछे? बताएगा बताएगा, अब उनको बहुत लॉन्ग स्टोरी है। अरे तू ही बता, तू यहाँ कैसे आया, कब आया? यहाँ तो हम 6 महीना पहले आए रहे। इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं, तभी तो हम टिक गए। बाबूजी, आह बाबूजी, माताजी, विजय भैया, विनोद भैया, विकी भैया, तीनों बहुए, बड़ा ही सुखी परिवार है भाई। लेकिन ये सब तुम हमसे काय पूछ रहे हो भाई? तेरा स्कूल है ना, तुमको पेपर में डाल देगा, बोलता है ना वो ऑटोग्राफ हमरा। अच्छा सुनो, हम बताते हैं। कहाँ कहाँ कहाँ? अरे भाई कौन कहाँ है? अरे वही जॉन डिकास्टा, अभी अभी किसी विजय कुमार नाम के आदमी ने फोन किया था कि उसने जॉन डिकास्टा को पकड़ रखा है। नहीं विजय कुमार, मुझे इनाम तो मिलेगा ना सर? हाँ हाँ जरूर मिलेगा, तुम्हें ने जॉन डिकास्टा को पकड़ रखा है जी? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। हम सबने मिलकर पकड़ा है, हमें भी नाम चाहिए। लेकिन जॉन कहाँ है? पहले जॉन डिकास्टा को तो लाओ। सर मैंने उसे कमरे में बंद करके रखा है, मैं अभी उसे लाया। फौरन लाओ। कमाल है, ये जटाशंकर हमारे यहाँ 6 महीने से काम कर रहा है और हमें आज तक पता नहीं चला कि ये जॉन डिकास्टा है। 6 महीने? ये कैसे हो सकता है? अभी 1 हफ्ते पहले तो जेल से फरार हुआ है। वाली बात लीजिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ यही है जॉन डिकास्टा। मिस्टर जॉन डिकास्टा पे हथियार फेंक दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। भाजी, लगता है आपको भी कोई गलत फैमिली हो गया है। देखिए, हम जॉन डिकास्टा नहीं हैं, हम जटाशंकर हैं। जॉन डिकास्टा अंदर है सर। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ये है जॉन डिकास्टा बदमाश और हम हैं जटाशंकर। दो जटाशंकर? अभी कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? नहीं, जटाशंकर नहीं है, जटाशंकर हैं हम। ये झूठ बोल रहा है, ये है जॉन डिकास्टा। अच्छा बाबूजी, ये बताइए कि आपका एक बार एक्सीडेंट हुआ था और हम ही आपको उठा के लाए थे, है ना? हम ही ने इसको सब बात बताया था। विजय भैया, माँ जी आप ही फैसला कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, रामलीला में रावण का रोल हमने किया था ना, और वो रामलीला में विजय भैया ने स्टेज जला दिया था, क्यों विजय भैया बताइए? आप हमारा विश्वास कीजिए, हम जान डिकोस्टा नहीं हूँ, यही है, हम जटाशंकर है भाई। अनिता, क्या तुम बता सकते हो कि असली जॉन डिकास्टा कौन है? मुझे क्या पता, मैंने तो कभी जॉन को देखा ही नहीं। नमिता बताएगी क्यों? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, तुम बता ना। विनोद होता तो जरूर पहचान लेता, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। बाबूजी बाबूजी आप ही फैसला कीजिए। देखो भाई, इस घर की हर समस्या का हल तो जटाशंकर ही ढूंढता था, अब वही बताएगा कि असली जटाशंकर कौन है। ये बात हुआ ना बाबूजी, अब हम एक ठो आइडिया बुझाते हैं। हम आप लोग को एक सवाल पूछते हैं, अगर ये असली जटाशंकर है कि हम लोग को बताएगा कि घर में एक बल्ब फिट करने में कितना आदमी लगता है? ये कोई सवाल है? अरे पूछना हो तो कोई मुश्किल सवाल पूछिए, हम बताते हैं। नहीं नहीं, इसी का जवाब बताओ। हाँ बताओ कि एक बल्ब बदलने में कितने लोग लगते हैं? एक बल्ब लगाने में कितने लगेंगे? बस दो। गलत गलत गलत, इस घर में एक बल्ब बदलने के लिए 5 आदमी लगते हैं, पूरे 5। पांच? जी हाँ 5। पूछे कैसे? कैसे? वैसे कि एक आदमी बल्ब को पकड़ेगा और 4 आदमी उस आदमी को पकड़ के घुमाएंगे, बल्ब फिट हो जाएगा। अब पकड़ लीजिए इसे, यही जॉन डिकास्टा है और ये हमारा जटाशंकर। चलिए मिस्टर जॉन डिकास्टा बैक टू जेल। हमारा इनाम? हाँ इनाम तो अब सिर्फ जटाशंकर को मिलेगा, क्योंकि इसी ने जॉन डिकास्टा को पकड़वाने में हमारी मदद की है।